2024 लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं। ताजा बयान गृहमंत्री अमित शाह का सामने आया है, जिसमें वो आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की मान रहे हैं। वहीं विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होता नजर आ रहा है। देखिए इसी पर ये एक रिपोर्ट। ...2024 का चैंपियन बनने के लिए 2023 में ही शाह ने दावा ठोक दिया। दावा किया कि आने वाले हर चुनाव में उनकी यानी बीजेपी की जीत हो। सामने 9 राज्यों का चुनाव है और खत्म होते ही 2024 यानी दिल्ली की गद्दी की लड़ाई। शाह जानते हैं कि 24 ताज उसी के सर होगा जो 9 राज्यों को फतह करेगा। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शाह ने कहा कि आने वाला हर चुनाव वो जीतने जा रहे हैं। देश का विकास, सुरक्षित देश, देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे पहले पीएम मोदी भी अपने अभिभाषण में विपक्ष को यह साफ कह चुके हैं कि उनको हराना इतना आसान नहीं है। पीएम मोदी ने पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि अकेला सब पर भारी। मोदी के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी थी। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी और अमित शाह के इस बयान के आखिर मायने क्या है, देश में आने वाले चुनावों में बीजेपी की नींव कितनी मजबूत है, आइए जानते हैं। देश के 28 राज्यों में से बीजेपी 16 राज्यों में काबिज है, जिसमें से मात्र 12 राज्यों में विपक्ष की सरकार है। ऐसे में देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल होगा। आपको बताते हैं 28 राज्यों में कहां किस पार्टी की सरकार है, कितने राज्यों में किस पार्टी की सरकार है। बीजेपी प्लस 16 राज्यों में इनकी सरकार है, कांग्रेस प्लस 4 राज्य, आम आदमी पार्टी 2 दिल्ली और पंजाब, टीएमसी 1 पश्चिम बंगाल, लेफ्ट 1 डीएमके 1, वाईएसआर कांग्रेस 1 टीआरएस 1 और बीजेडी यानी बीजू जनता दल 1। इसी साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। 9 राज्यों में से मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पीएम मोदी की लहर को कम करने के लिए विपक्ष एक नए प्लान बनाने की तैयारी में जुट गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि 2023 में देश में किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है इस साल, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, दक्षिण में तेलंगाना, राजस्थान और दक्षिण में कर्नाटक। साल 2014 से देश में मोदी सरकार काबिज है। यही वो साल था जब दशकों से देश पर राज करती चली आ रही कांग्रेस पार्टी की जड़ें हिल गई। आखिर वो क्या वजह थी जो देश की जनता ने कांग्रेस को दरकिनार कर जीत का सहरा नरेंद्र मोदी के सर बांधा। साल 2014 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, यहीं से बीजेपी की जीत का सिलसिला शुरू हुआ। राज्य दर राज्य बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया। 2019 में भी बीजेपी बहुमत के साथ दिल्ली पर काबिज हुई, यहां भी जीत का सहरा नरेंद्र मोदी के सिर बांधा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी की लोकप्रियता दूसरे नेताओं के मुकाबले सबसे ज्यादा है और इसी बुनियाद पर शाह जीत का दावा ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।